और वहीं छत्तीसगढ़ में हत्या का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे कि पुलिस के ऊपर सवालिया निशान भी खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में असमर्थ क्यों है। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बदमाशों पर पुलिस मेहरबान क्यों हो रही है। बता दें कि इस बार गृह मंत्री के दौरे से पहले ही दिन दहाड़े मर्डर्स इलाके में सनसनी फैल गई है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अपराधियों में लगता है कि पुलिस का खौफ ही नहीं रह गया है। जी हां, यही वजह है कि बेमेतरा में प्रदेश के गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री के दौरे से पहले एक सरकारी कर्मचारी को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई। बताते चले कि विभागीय मंत्री के दौरे के बीच बोर्ड कॉलोनी के सामने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी, जिससे कि कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जहां दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है, तो वहीं खासकर दो मंत्रियों के दौरे की खबरों के बीच रिहायशी इलाके में हुई वारदात को लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों की माने तो मृतक पीडब्ल्यूडी विभाग के टाइम कीपर का कार्य करता था और रोज की तरह ही वह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन अफसोस वह बदमाशों का शिकार हुआ और इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ठीक सामने धारदार हथियारों से लैस अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। जब तक वह समझ पाता तब तक अपराधियों ने हमला बोल दिया, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बताते चले कि मंत्रियों के दौरे से पहले हत्या की वारदात से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। बेमेतरा कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस के दल बल के साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मृतक का मास्क और चश्मा बरामद किया, जिससे पुलिस अंदाजा लगा रही है कि हत्या से पहले आरोपियों के साथ मृतक की झड़प भी हुई थी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और वही रटा रटाए जवाब दे रही है कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बहरहाल बता दें कि गृह व पीडब्ल्यूडी मंत्री आज ही जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की हत्या की वारदात को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।